जो दाना हम लवबर्ड को डालते हैं ना सुबह के टाइम, जो फिर अगले दिन हम निकालते हैं ना, ये वो दाना है। हमने इसे अच्छी तरह साफ कर लिया है और इसका देखें गंध हमने सारा अलहदा कर दिया है। ये हम महीने बाद सफाई करते हैं जो भी दाना होता है। व्यूअर्स, हम आए हैं, दिन का टाइम है और हम छत पे आए हैं अपनी मुर्गियों को खाना डालने, जो गई अब इस टाइम भूखी होती हैं। ये देखिए हम इनके लिए खाना लाए हैं, चावल है इसमें, थोड़े से टमाटर और धनिया वगैरह। थोड़े से चावल हम इन चूजों को डाल देंगे, तो वो इनको हमने पहले भी डाले थे, थोड़े से इनको भी डाल देंगे। और अब हम मुर्गियाँ खोलने वाले हैं। देखिए ये कितनी भूखी हैं। गर्म पानी निकाल लिया है, अब इसमें ठंडा पानी आ रहा है। हम अपने तितरों के लिए पानी भर रहे हैं और हम अपने तितरों को ये पानी रखेंगे क्योंकि उनको प्यास लगी हुई है। ये देखिए बच्चे गर्मी की वजह से पानी पिए ही जा रहे हैं, इनको क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद प्यास लगी हुई थी, तो हमने इनको अभी पानी रखा है। जब ये पानी पी लेंगे तो हम इस पानी को निकाल लेंगे, क्योंकि ये पानी गिरा देते हैं और इधर यहाँ पे कीचड़ मच जाती है। और हमारी मुर्गियों ने खा लिया ये खाना। हमारी मुर्गियों ने ये खाना खा लिया और हम इनको अभी ये हड्डियों के पीसेस काट के देंगे, क्योंकि ये बहुत शौक से खाती हैं। जब ये खाना खा लेंगी तो हम इनको बंद कर देंगे। इन मुर्गियों ने देखें खाना खा लिया है और हम अब इनको बंद कर देंगे। फिर हमारी मुर्गियां बंद हो चुकी हैं। अब हम ये वाला पानी निकाल लेंगे और हम ये पानी आप दूसरे तितर को रख देंगे जो फिर भी प्यास लगेगी। और आइए, हमने आपको जैसा कि पहले बताया था कि हम अपने तितरों के बच्चों के लिए हम नया पिंजरा लाएंगे और दो पेयर्स को अलहदा करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं और उसमें ज़रा क्लीन भी सेट करेंगे। ये हैं, हम ये वाला नया पिंजरा लाए हैं तितरों के बच्चों के लिए, जैसा उनके माँ बाप का है। तो हम इसमें ये क्लीन कट करके यहाँ पे सेट करेंगे। मैं अब क्लीन कट करने लगा हूँ और हम इसे कट करने के बाद इसके व्यू आपको करवाएंगे। पहले इसे
चेक करेंगे कि ये कितना बड़ा है। ये 12x12 का है, हम इसे कट कर देंगे इस तरह से। मैं अभी क्लीन सेट कर लूँ, फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगा। क्लीन हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसमें दो अच्छे से तितर के बच्चों के पेयर छोड़ेंगे। आइए इसमें दो अच्छे से पेयर छोड़ते हैं। अब हम अच्छे से दो पेयर पकड़ेंगे यहाँ से। माशाल्लाह ये हमारा सबसे बड़ा मेल है, ये देखें, ये है मेल की निशानी होती है ये कील। ये हमारा मेल है, ये फीमेल होगी, इसकी पाँव पे नोक नहीं है कोई भी, ये फीमेल होगी। ये हमारा एक पेयर बन गया। इसके बाद हम एक और पेयर छोड़ेंगे इसमें। हमने ये एक और मेल पकड़ लिया, अच्छा था, ये हम इसमें छोड़ देंगे। इसके साथ एक और फीमेल छोड़ेंगे। ये हमने एक और फीमेल पकड़ ली, अभी से भी यहाँ पे छोड़ दें। ये हमारे अच्छे से दो पेयर हो गए। अब हम इनको नीचे ले जाएंगे। को फीड करवाएंगे बच्चों को, क्योंकि अब इनकी फीड का टाइम हो गया, क्योंकि हम दिन को रोजाना इन दो बच्चों को फीड करवाते हैं। पहले तो हम एक बच्चे को फीड करवाते थे, अब हम दोनों को करवाते हैं, क्योंकि ये इनके माँ बाप ज़रा कम फीड करवा रहे हैं, तो इनकी हेल्थ ज़रा कमज़ोर हो रही है, तो हमने कहा इनको थोड़ा सा फीड हम भी करवा दिया करें। आइए इनको हम ले चलेंगे नीचे। ये छोटा बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और इसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें, आपको काफ़ी फ़र्क को नज़र आएगा इसमें। आइए इनको नीचे ले चलते हैं और ये फीड करवा के हम ऊपर छोड़ जाएंगे। आइए व्यूअर्स, हम इन दोनों बच्चों को नीचे ले आए हैं और हम फीड करवाने लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनको फीड में सिर्फ चना देते हैं, क्योंकि चना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है इनके लिए, और इससे ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। आइए, क्योंकि इनके माँ बाप ने बड़े वाले बच्चे को ज़्यादा फीड करवाई है और छोटे वाले को बिल्कुल थोड़ी न होने के बराबर फीड करवाई है, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर हम एक टाइम की फीड हम खुद भी करवा देते हैं ताकि ये इनकी हेल्थ सही रह जाए। आइए इनको फीड करवाते हैं। पहले हम बड़े वाले बच्चे को थोड़ी सी फीड करवा देंगे, क्योंकि इसके पोटे में अभी काफ़ी सारे दाने हैं। अपने जो बड़ा चना होगा वो एक एक डालना है, जो छोटे होंगे वो दो दो डालना है। मैं इनको अभी फीड करवा लूँ, फिर आपको इसका पोटा चेक करवाएंगे कि पेट इनका फुल हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें, बार बार बोल रहे हैं ये, क्योंकि हम इनको नीचे लाए हैं इसलिए बार बार ये बोली जा रहे हैं। दोनों बच्चों को फीड करवा दिया है, ये देखें दोनों का पेट फुल हो चुका है, और इसका भी देखें बिल्कुल पेट भर चुका है। अब हम इनको ऊपर वापस माँ बाप के साथ रखेंगे, क्योंकि माँ बाप ज़रा वो परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए अभी हम इनको ऊपर रखने जा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह।